जमान पार्क की तलाशी आज ली जाएगी। कमिश्नर की मौजूदगी में वफ जमान पार्क जाएगा। टीवी कैमरों की मौजूदगी में तलाशी ली जाएगी। इमरान खान अपनी पेशकश पर कायम रहे और तलाशी लेने दें। निगरान वज़ीर इत्तला'आत पंजाब आमिर मीर कहते हैं सर्च ऑपरेशन नहीं करने दिया गया तो शाम 7 बजे मीटिंग में आइंदा का फैसला होगा। इमरान खान के घर के इतराफ में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद है। अल्टीमेटम देने पर जमान पार्क से दहशतगर्द निकलना शुरू हो गए। पुलिस ने घेर लिया तो वापस चले गए। कोर कमांडर हाउस हमले में मुलविस 8 दहशतगर्द पकड़ लिए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। इमरान खान ने 9 मई को फौजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की मुजम्मत कर दी। कहा कभी पुरतशद्दुद एहतजाज की बात नहीं की। वो कौन सा इंसान होगा जो कोर कमांडर हाउस जलाने की मुजम्मत नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात और कोर कमांडर हाउस जलाने की सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीख की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आईजी पंजाब को आज 12:15 बजे तक का वक्त दे दिया। तमाम मुतालिका इदारों से मुआवजा लेने का हुक्म। इमरान रियाज की फैमिली को भी तहफ्फुज़ फराहम करने की हिदायत। और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के तलबा तालबात का चौथे रोज भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तलबा तालबात को रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाकये पर ब्रीफिंग दी गई। तबाह हाल इमारत का दौरा कराया गया। असातिज़ा तलबा और तालबात की नाखुशगवार वाकये की पुरजोर मुज़म्मत।